We'll start class 9 chapter 2 polynomials factor theorem. In the previous video we will discuss about the remainder theorem. Both the theorems are very important. Now what is factor theorem? Let px be a polynomial of degree greater or equals to 1. px कोई ऐसा polynomial है जिसकी degree greater than 1 है या equals to n है, यानी जिसकी डिग्री 1 है या मोर देन 1 है. एंड ए बी ए रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0. अगर ए की वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो एक्स माइनस ए जो ये पॉलिनोमियल होगा, x माइनस ए ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. यानी पी ए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और मोर देन 1 है. अगर x की वैल्यू a रखने पर, यानी उस रियल नंबर की वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो हम कहेंगे x माइनस ए उसका फैक्टर है. इफ इट्स वैल्यू इज नॉट 0, देन वी कैन से x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ that polynomial. So now we will move to exercise 2.4. question number 1 है, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. हमें इस question में ये करना है, check करना है कि जो given polynomial है उनका x plus 1 factor है या नहीं है. तो we apply the remainder थ्योरम. हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. हम फैक्टर थ्योरम में अप्लाई करेंगे, तो फैक्टर थ्योरम क्या है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1. इसको चेक करना है तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर है कब होगा, जब पी ए जीरो होगा, पी ए क्या होगा, 0. तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 1 पॉलिनोमियल में, तो हम फाइंड आउट करेंगे p माइनस 1, माइनस 1 पुट करेंगे x की जगह, तो माइनस 1 का क्यू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का क्यू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस इनटू माइनस माइनस एंड प्लस 1. माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट. तो क्या है, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, p माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है, 0. तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ That polynomial, x plus 1 इसका फैक्टर है. अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कहते कि x plus 1 is not a factor of px. Now we will solve the question number, part number 4. Part number 4 क्या है, इसमें भी यही चेक करना है कि हमें चेक करना है कि x plus 1 इस polynomial का फैक्टर होगा कि नहीं. तो हम फाइंड आउट करेंगे p minus 1, यानी x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, तो माइनस 1 का क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, x की जगह माइनस 1 प्लस रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू माइनस 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 इंटू इज माइनस दस प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2, ये है प्लस 2, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, p माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 2. यानी अब p माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो p माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0. जब p माइनस 1 0 नहीं है, देन वी कैन से दैट x प्लस 1 इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, यानी x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2,
यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. टू पॉलिनोमियल गिवन जी एक्स एंड पी एक्स. हमें चेक करना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा. हमें पता है जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा. फैक्टर थ्योरम में अप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. ये है बाई फैक्टर थ्योरम, हमें पता है एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. यानी फॉर एनी रियल नंबर ए, किसी भी रियल नंबर ए के लिए अगर एक्स माइनस वन पी एक्स का, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, जीरो. यानी एक्स प्लस, इफ वी चेक जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज ए प्लस वन, तो रियल नंबर क्या है, दिस इज माइनस ए. माइनस ए मीन्स माइनस वन. तो हम पी माइनस ए इक्वल टू जीरो. जी एक्स पी एक्स का फैक्टर कब होगा, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर तब होगा जब पी माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो. अगर पी माइनस वन जीरो है तो हम कहेंगे वी कैन से दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. इफ पी माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन से जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन. तो टू एक्स की जगह माइनस वन तो माइनस वन का क्यू, प्लस एक्स की जगह माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू इंटू एक्स की जगह माइनस वन तो माइनस वन, माइनस वन. सॉल्व करेंगे टू इंटू माइनस वन का क्यू क्या होगा, माइनस वन, प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू एंड माइनस वन. तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, प्लस वन प्लस टू माइनस वन, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट, प्लस टू कैंसिल आउट, और प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट. तो क्या हो गया, पी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. पी माइनस वन की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, जीरो. हमारी पी माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो है. तो हम कहेंगे कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन, और पी एक्स क्या है ये, तो हम कहेंगे कि एक्स प्लस वन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है. तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी भी पॉलीनोमियल का देन पी ए इक्वल्स टू जीरो. तो पी ए क्या होता है, जीरो. तो हम फैक्टर थ्योरम में अप्लाई करेंगे, पी ए इक्वल्स टू जीरो होगा अगर x माइनस वन फैक्टर होता है. तो मैंने आपको वही बताया, तो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो p1 जीरो होगा. तो हम क्या निकाल लेंगे, p1 निकाल लेंगे और उसको जीरो के इक्वल कर देंगे. p1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन पुट करेंगे. तो p1 क्या होगा, k x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस रूट टू एक्स, रूट टू इंटू वन प्लस वन. तो ये क्या हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट टू इंटू वन, रूट टू प्लस वन. तो क्या हो जाएगा, के माइनस रूट टू इक्वल्स टू वन. के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, तो रूट टू नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, वन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रूट टू माइनस वन.